प्रकरण को लेकर एक युवती के भाई और दादी को मौत के घाट उतार कर आरोपी द्वारा स्वयं आत्महत्या कर लेने की घटना की स्याही अभी भी सूखी नहीं थी कि यशोधरा नगर थाना क्षेत्र के ग्राम माजरी के समीप पुलिया के नीचे प्रेम प्रकरण को लेकर ही शनिवार की सुबह एक युवक की निर्मम हत्या करने की वारदात सामने आई। मृतक का नाम किशोर नंदनवार बताया गया है, जबकि हत्या आरोपी रिजवान खान को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार किशोर नंदनवार तथा रिजवान खान एक दूसरे के दोस्त थे। रिजवान खान की मुंहबोली बहन पायल के साथ किशोर नंदनवार अक्सर छेड़खानी कर उससे नजदीकी बनाने की कोशिश करता था। पायल को यह सब पसंद नहीं आता था। उसने इस बारे में रिजवान के पास किशोर की शिकायत की। रिजवान ने अपने दोस्त किशोर को 4-5 बार समझाया कि वह पायल को सताना बंद कर दे, लेकिन किशोर ने अपनी हरकतें जारी रखी। इससे क्रोधित होकर सुबह रिजवान ने किशोर को मिलने के लिए यशोधरा नगर थाना क्षेत्र के ग्राम माजरी के समीप स्थित पुलिया के नीचे बुलाया। दोनों के बीच पायल को लेकर बहस हुई और इसी बहस में रिजवान ने चाकू निकालकर किशोर के पेट में घोंप दिया। गंभीर रूप से घायल किशोर को उपचारार्थ एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। यशोधरा नगर पुलिस ने आरोपी रिजवान को हिरासत में ले लिया है। आज सकाळी 8:30 वाजताच्या दरम्यान नाईट ऑफिसर PSI भार्गव यांना फोनद्वारे माहिती मिळाली की माजरी अंडरब्रिजच्या जवळ एका इसमानी दुसऱ्या इसमाला चाकू मारला। यावरून PSI भार्गव आणि स्टाफ तिथे गेले असता जखमी होता, त्याला अगोदर लोकांनी तिथून मे हॉस्पिटलला नेले होते आणि तिथे आरोपी रेल्वे लाईनने पार करून पळून जात होता। त्यावेळेस PSI भार्गव आणि PSI काटोके यांनी त्याला पकडले, त्याच्याकडून चाकू ताब्यात घेतला। त्याच्यानंतर मेयो हॉस्पिटलमधून सूचना मिळाली की जखमी हा मरण पावलेला आहे, त्यावरून आरोपीला ताब्यात घेऊन पोलीस स्टेशनला आणलेलं आहे। पुढील कारवाई सुरू आहे। मृतकाचं नाव आहे किशोर दिलीप नंदनवार आणि आरोपी आहे सिराज खान शेरखान। हे दोघे एकमेकांना ओळखत होते आणि यांचा एका आरोपीच्या मानलेल्या बहिणीसोबत जखमी हा छेडखानी करतो, या कारणावरून भांडण झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे। आरोपी यापूर्वी काय आरोपीचं काही रेकॉर्ड आहे का? आरोपी यापूर्वी 325 पोलीस स्टेशन यशोधरामध्ये अटक होता आणि पोलीस स्टेशन प्रतापनगरमध्ये 392 आणि पोलीस स्टेशन शांतीनगरमध्ये 425 याच्यामध्ये अटक होता। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोड के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट, NBCN News नागपूर।